नमस्कार दोस्तों, इकरा आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राहुल अग्रवाल। तो दोस्तों, आज बारी है वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन की। सो जैसा कि आप सभी यहां पे देख सकते हैं, 10th मई टू 16th ऑफ मई, ठीक है। सो 10 तारीख से लेकर 16 तारीख का ये जो एक हफ्ता है, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे। और आप जैसा कि यहां पे सोर्स देख सकते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स हैं, ये हमने द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, देन उसके बाद पीआईबी की जो वेबसाइट है, और फिर कुछ अदर वर्ल्ड वाइड जो करंट अफेयर्स मिसलिनियस चीज़ें चल रही होती हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्लोबल मिथेन असेसमेंट से। ये न्यूज़ में क्यों था? देखो, कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं, खास करके मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे मन में आनी चाहिए कि भाई वाई आर वी रीडिंग दिस, क्यों पढ़ रहे हैं हम, कुछ तो रीजन होगा ना, ऐसे ही तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो ग्लोबल मिथेन असेसमेंट के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, बिकॉज सीसीएसी, ओके, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सीसीएसी और यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, दोनों ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका टाइटल है ग्लोबल मिथेन असेसमेंट, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग मिथेन एमिशन। यानी कि मिथेन एमिशन अगर कम होगा, मिटिगेट अगर हम उसे करेंगे, तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीजन कि ये चर्चा हम यहां पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें सभी को पता है कि मिथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हालांकि मिथेन एक ऐसी गैस है जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में पाई जाती है, एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला भी आप सभी ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, CH4 होता है, ठीक है। यानी कि एक कार्बन एटम और चार हाइड्रोजन एटम, तो ये एक फ्लेमेबल बेसिकली गैस है और इसका यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है। तो द रिपोर्ट हैज सजेस्टेड दैट द वर्ल्ड नीड्स टू ड्रामेटिकली कट मिथेन एमिशन। अगर हमें क्लाइमेट चेंज को अवॉइड करना है, अगर हमें हमारे क्लाइमेट को बचाना है, तो हमें मिथेन एमिशन कम करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया गया है। सो कुछ की फाइंडिंग्स अगर मैं आपको बताऊं, तो यहां पे एक चीज ये पता चली है कि मिथेन एमिशन इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। सो करेंटली ह्यूमन कॉज्ड मिथेन एमिशंस आर इंक्रीजिंग फास्टर एट एनी अदर टाइम। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स हैव ड्रॉप्ड ड्यूरिंग द नोवल कोविड-19 पेंडेमिक, लेकिन मिथेन रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा है लास्ट ईयर, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है भाई, एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज मिथेन एक एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में 30% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप अंदाजा यहां पे लगा सकते हो कि कितना ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। अगर हम यहां पे मिथेन एमिशंस के सोर्स की बात करें, सो मोर देन हाफ ऑफ ग्लोबल मिथेन एमिशंस स्टेम फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज इन 3 सेक्टर्स। कौन कौन से हैं वो? 35% फॉसिल फ्यूल्स, 20% वेस्ट, 40% एग्रीकल्चर, ठीक है। नाउ फॉसिल फ्यूल सेक्टर की अगर हम बात करें, तो उसमें 35% जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 35% को भी अगर हम ब्रेक डाउन करें, तो 23% आएगा ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन बाकी जो 12% है, इट इज ड्यू टू कोल माइनिंग। नाउ इफ आई टॉक अबाउट वेस्ट, लैंडफिल्स एंड वेस्ट वाटर, ओके, तो ये 20% हो गया। एंड देन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो 32% जो है वो लाइफ स्टॉक एमिशन से, और बाकी 8% जो है राइस कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये एक ब्रेकडाउन है जिससे आपको पता रहे कि सोर्स क्या है। नाउ मिथेन मिटिगेशन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द मिटिगेशन पोटेंशियल इन डिफरेंट सेक्टर वेरीज बिटवीन कंट्रीज एंड रीजन्स। एब्सोल्युटली सिंपल सी बात है भाई, ठीक है, अलग अलग देश के अलग अलग मेजर्स होंगे। सो यूरोप हैड द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू कर्ब मिथेन एमिशंस फ्रॉम फार्मिंग, फॉसिल फ्यूल ऑपरेशंस एंड वेस्ट मैनेजमेंट। इंडिया हैड द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू रिड्यूस मिथेन एमिशंस इन द वेस्ट सेक्टर, ठीक है। तो अगर बात की जाए वेस्ट सेक्टर की, तो इंडिया का पोटेंशियल ज्यादा है। अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल की, यूरोप का पोटेंशियल ज्यादा है। अगर हम बात करें कोल प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक की, ठीक है, तो उसमें चाइना का मिटिगेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। और उसी तरीके से लाइफ स्टॉक, ऑयल एंड गैस में अफ्रीका का मिटिगेशन पोटेंशियल भी ज्यादा है। सो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, अक्रॉस द रीजन कंट्रीज, ये चीज जाहिर सी बात है अलग अलग होगी। नाउ मेजर्स टू बी टेकन, ह्यूमन कॉज्ड मिथेन एमिशंस मस्ट बी कट बाय 45%, ठीक है। जितने भी एंथ्रोपोजेनिक यानी कि जो मैन मेड जिसे हम कहते हैं, तो जितने भी ऐसे मिथेन एमिशंस हैं जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि हम इंसानों की एक्टिविटी से कहीं ना कहीं एमिट हो रहे हैं, हमें उसे 45% तक कट करना पड़ेगा, तब जाके हम ग्लोबल वार्मिंग को कहीं ना कहीं 0.3 डिग्री सेल्सियस से
एटलीस्ट डाउन कर पाएंगे। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है हम 0.3 डिग्री सेल्सियस उसे नीचे रख पाएंगे बाय 2045। ठीक है, ये कोई आज या कल में नहीं होगा, ये इस रिपोर्ट को भी पता है। नाउ इट वुड ऑल्सो प्रिवेंट 26 लाख प्री मैच्योर डेथ्स, 77 लाख अस्थमा रिलेटेड हॉस्पिटल विजिट एनुअली, एज वेल एज 25 मिलियन टन ऑफ क्रॉप लॉसेस। नाउ फर्दर 3 ह्यूमन बिहेवियरल चेंजेस कुड रिड्यूस मिथेन एमिशंस बाय 65-80 मिलियन टन पर ईयर ओवर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। और वो कौन कौन से बिहेवियरल चेंजेस हैं? रिड्यूसिंग फूड वेस्ट, इंप्रूविंग लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, अडॉप्टिंग हेल्दी डाइट्स। अगर ये 3 बिहेवियरल चेंजेस ले आए जाएं, ठीक है, तो उससे भी हर साल 65-80 मिलियन टन मिथेन एमिशन रिड्यूस किया जा सकता है आने वाले डिकेड्स में। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स हैं जिसकी बात इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में की गई। अब यहां पे अगर मैं आपको सीसीएसी के बारे में बताऊं तो ये एक वॉलेंटरी पार्टनरशिप है ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, द कोलिशन एम्स टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट एंड इंप्रूव एयर क्वालिटी थ्रू एक्शंस टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स, और इंडिया इसका हिस्सा है। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए, बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं, लेकिन उनका जो पोटेंशियल होता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में वो कोई कम नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, नाउ अगर मैं आपको, अभी तक तो हमने एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज पढ़ा है, अब मैं आपको नेचुरल सोर्स बता देता हूँ। मिथेन के जो नेचुरल सोर्सेज हैं, इट इंक्लूड्स एमिशंस फ्रॉम वेटलैंड्स, ओशंस, देन उसके बाद डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ टर्माइट्स, एंड अगर हम बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया, राइस प्रोडक्शन, रेजिंग कैटल, लैंड फील्ड्स, एनर्जी जनरेशन एटसेट्रा। ठीक है, देन उसके बाद दोस्तों द हिंदू का ये आर्टिकल था, बेसिकली हिंदू में था ये, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑन इंडियन एंड चाइनीज पेंगुलिन। ओके, सो रिसर्चर्स एट द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता हैव डेवलप्ड टूल्स टू डिफरेंशिएट द स्केल्स ऑफ इंडियन पेंगुलिन, ये इसका साइंटिफिक नेम है, एंड चाइनीज पेंगुलिन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडियन पेंगुलिन और ये चाइनीज पेंगुलिन। Is that clear? तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके फीचर्स की चर्चा हम कर लेंगे। The researchers characterized the morphological features. They also investigated genetic variation. The researchers investigating this by sequencing 624 scales of pangolin. और उसके बाद फिर इसको कंपेयर किया गया, देन उसके बाद साइज, वेट और जो भी बाकी रिज काउंट है उसको देखते हुए दोनों के बीच में डिफरेंस लाया गया। और दोस्तों ये डिफरेंस बिटवीन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, एग्जाम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, हो सकता है चाइनीज पेंगुलिन और इंडियन पेंगुलिन के डिफरेंस बिटवीन से रिलेटेड एक एमसीक्यू आ जाए प्रीलिम्स में। ओके, सो चाइनीज पेंगुलिन हैज स्मॉलर स्केल्स कंपेयर टू इंडियन पेंगुलिन, याद रखो। अ टर्मिनल स्केल इज प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द टेल इन द इंडियन पेंगुलिन, बट द टर्मिनल स्केल इज एब्सेंट इन द चाइनीज पेंगुलिन। ठीक है, तो ये आप फिगर में भी यहाँ पे देख सकते हैं। द ड्राई वेट ऑफ द स्केल्स फ्रॉम वन चाइनीज पेंगुलिन इज अबाउट 500 टू 700 ग्राम्स, लेकिन इन केस ऑफ इंडियन पेंगुलिन इट इज 1.5 टू 1.8 केजी। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होगा? द वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स ड्यूरिंग द कॉन्फिस्केशन ऑफ पेंगुलिन स्केल्स कैन जस्ट वे एंड एस्टिमेट हाउ मेनी पेंगुलिन माइट हैव किल्ड। भाई स्केल से कहीं ना कहीं ये पता चल पाएगा। देन उसके बाद दिस फाइंडिंग्स विल ऑल्सो हेल्प द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू आइडेंटिफाई द पेंगुलिन स्पीशीज ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग लार्ज सीजर्स। नाउ पेंगुलिन्स आर स्केली एंटीएटर मैमल्स ऑफ द ऑर्डर फॉलीडोटा, दे हैव लार्ज प्रोटेक्टिव केराटिन स्केल्स कवरिंग देयर स्किन, दे आर द ओनली नोन मैमल्स ऑन अर्थ टू हैव दिस फीचर, एंड आउट ऑफ द 8 स्पीशीज ऑफ पेंगुलिन इंडियन और चाइनीज पेंगुलिन भारत में पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन पेंगुलिन के बारे में आप देख लो, चाइनीज पेंगुलिन के बारे में भी थोड़ा सा देख लो। इंडियन पेंगुलिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एक्सेप्ट इन द एरिड रीजन, हाई हिमालयस एंड द नॉर्थ ईस्ट। इट ऑल्सो ऑकर्स इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, और उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में भी इसे प्रोटेक्शन दी गई है। सिमिलरली अगर हम बात करें चाइनीज पेंगुलिन की, तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, उसके अलावा वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया में। ये भी अंडर शेड्यूल 1 प्रोटेक्टेड है, लेकिन इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड नहीं है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इंडियन पेंगुलिन इंडेंजर्ड, चाइनीज पेंगुलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देन उसके बाद आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल, इंडिया बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहा है इन द थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, इस वजह से ये न्यूज में था दोस्तों। आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल बेसिकली ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां पे आर्कटिक रीजन में रिसर्च और साथ ही साथ कोऑपरेशन
डिस्कस की जाती है, ठीक है। सो द फर्स्ट टू आर्कटिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स दे वर हेल्ड इन यूएसए इन 2016 एंड जर्मनी इन 2018 एंड द थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल इट इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय आइसलैंड एंड जापान और ये पहली बार एशिया में हेल्ड किया जा रहा है, ठीक है। So the meeting is designed to provide opportunities to various stakeholders to enhance collective understanding of the Arctic region. और साथ ही साथ भाई किस तरीके से हम Arctic region में sustainable activity कर सकते हैं, आप theme भी देख सकते हो, knowledge for a sustainable Arctic, ठीक है। And I hope आप सभी ने Arctic Council के बारे में भी पढ़ा होगा। Arctic Council was established in 1996 by the Ottawa Declaration, ताकि आर्कटिक स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटरेक्शन को प्रमोट किया जा सके। इसके मेंबर्स आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इसके मेंबर्स हैं इंडिया, कैनेडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड द यूएस। भारत को 2013 से इसका ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। उसके अलावा और जो कंट्रीज हैं जिन्हें ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। Is that clear? Now, India की engagement की अगर हम बात करें, India's engagement with the Arctic, it dates back to 1920, जब पेरिस में Svalbard Treaty साइन की गई थी। Now, जुलाई 2008 से आर्कटिक में जो हिमाद्री स्टेशन है उसमें इंडिया का, बेसिकली आपको पता ही है, इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक में, जिसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इन द रिसर्च, इन द यू कैन से इन वेरियस एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द आर्कटिक रीजन। और हमने एक मल्टी सेंसर ऑब्जर्वेटरी भी डिप्लॉय की है इंड आर्क, है ना, एंड द रिसर्च इज कोऑर्डिनेटेड बाय द NCPOR जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च सिचुएटेड इन गोवा। तो ये देखो बात क्या होती है ना कि यहाँ पे आर्कटिक रीजन से रिलेटेड एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही है, तो इस मीटिंग में भारत हिस्सा ले रहा है। तो आपको आर्कटिक रीजन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, आर्कटिक काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए, उसके मेंबर्स कौन है पता होना चाहिए, इंडिया का क्या रोल है पता होना चाहिए। जब आप इंडिया का रोल पढ़ोगे तो आपके सामने दो तीन चीजें आएंगी, जैसे कि हिमाद्री आएगा, इंड आर्क आएगा, NCPOR आएगा। नाउ आपको इनके बारे में भी पढ़ना है, ओके। ये होता है डिगिंग डीप इनटू द डिटेल्स, जब भी आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स पढ़ते हो। अगर आप सोचो कि मैं बस ऊपर से चीजों को पढ़ लूं तो नहीं होगा, आप पढ़ते चले जाओगे, चीजें सामने आती जाएंगी, फिर आपको उसके बारे में भी पढ़ना होता है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन थोड़ा सा टफ हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डिटेल में जाना नहीं चाहते, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, यहाँ पे 2-deoxy-D-glucose यानी कि 2DG, ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज DRDO ने एंटी कोविड ड्रग डेवलप किया है जिसका नाम है 2-deoxy-D-glucose, ओके। और इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है। तो ये एक एंटी कोविड ओरल ड्रग है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलीट साइंसेस जो कि DRDO का लैब है, इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ओके। इट कम्स इन पाउडर फॉर्म इन द सैशे, इट इज टेकन ओरली बाय डिसॉल्विंग द पाउडर इन द वॉटर। तो पढ़ो इसके बारे में भी थोड़ा सा। द ड्रग एक्यूमुलेट्स इन द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, इट प्रिवेंट्स वायरस ग्रोथ बाय स्टॉपिंग वायरल सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। द सिलेक्टिव एक्यूमुलेशन ऑफ द ड्रग इन वायरली इन्फेक्टेड सेल्स मेक्स दिस ड्रग यूनिक। और साथ ही साथ जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट हैं उनकी फास्टर रिकवरी में ये काम आता है, ऑक्सीजन पे जो डिपेंडेंसी है उसे भी थोड़ा सा ये रिड्यूस करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, द डेब्रीज फ्रॉम अ चाइनीज लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट मेड एन अनकंट्रोल्ड री एंट्री इन टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड इट फेल इन टू द वॉटर्स ऑफ द इंडियन ओशन वेस्ट ऑफ द मालदीव्स, ओके। ये चाइना का लार्जेस्ट रॉकेट है जो कि 2021 में अप्रैल में लॉन्च किया गया था फॉर पुटिंग इनटू ऑर्बिट अ कोर मॉड्यूल जिसका नाम है TNA, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द कोर मॉड्यूल्स ऑफ चाइनास परमानेंट स्पेस स्टेशन Tiangong स्पेस स्टेशन एंड इट विल ओनली बी द सेकेंड आफ्टर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसका लाइफ स्पैन कितना होगा 10 years, लेकिन ये 15 साल तक भी लास्ट कर सकता है, ठीक है। नाउ व्हाई डिड री एंट्री ऑफ लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट रेज कंसर्न, Now when a rocket is launched, its discarded booster stages re-enter the atmosphere soon after lift off.
then they harmlessly fall into the ocean as a standard practice. However, in this case, a large part of the rocket went into the orbit with the section of the under construction space station that it was carrying. Now, while in orbit, this vehicle kept rubbing against the air at the top of the atmosphere, and the resulting friction caused it to start losing the altitude. It resulted in the Long March 5B rocket's uncontrolled re-entry back to the Earth's inevitable. Okay. Now, it is the fourth largest uncontrolled re-entry of debris into the atmosphere. 2021 March mein SpaceX rocket stage ne bhi ek isi tarike ki uncontrolled landing ki thi on a farm in the US. ठीक है, 1979 में when the NASA space station Skylab was brought down, some debris ended up in Australia, leading to an apology from the then US president. तो ये काफी सारे examples हैं, उतनी ज़्यादा detail में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं भी इसको उतना ज़्यादा discuss नहीं कर रहा. Then variant of concern, WHO ने classify किया है B1617, जो कि भारत में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 2020 में, इसे एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्लासिफाई किया है. वायरस के वेरिएंट्स जो हैं, बेसिकली आपको पता ही है कोविड के किस तरीके के वेरिएंट्स आ रहे हैं. वेरिएंट्स मतलब कि अलग अलग म्यूटेशंस. ठीक है, तो यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन वेरिएंट्स को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है. पहला है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, VOI. ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स के बाद किसी भी वेरिएंट को VOI क्लासिफाई किया जाता है. जैसा कि आप देख सकते हैं, एसोसिएटेड विद चेंजेस टू रिसेप्टर बाइंडिंग, रिड्यूस्ड न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडीज जनरेटेड अगेंस्ट प्रीवियस इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, रिड्यूस्ड एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट्स, पोटेंशियल डायग्नोस्टिक इंपैक्ट, अ प्रेडिक्टेड इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी और डिजीज सिवियरिटी. ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न की, अ वेरिएंट इज क्लासिफाइड एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न इफ देयर इज एनी एविडेंस ऑफ इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी, मोर सीवियर डिजीज. जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई अगर कोई नया वेरिएंट आया है, उससे लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, उससे अगर ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होगा. देन उसके बाद सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडीज जनरेटेड ड्यूरिंग प्रीवियस इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, मतलब एक ऐसा वेरिएंट जो कि वैक्सीनेशन के ऊपर भी उसका, मतलब कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन भी उसे रोक नहीं पा रहा, वैक्सीनेशन भी उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा. ठीक है, रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट और वैक्सीन और डायग्नोस्टिक डिटेक्शन फेलियर्स. द मोस्ट फ्रीक्वेंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न नेम्ड बाय WHO बाय देयर ज्योग्राफी ऑफ ओरिजिन आर ये सारे. इनके इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए एग्जाम में अगर ये आ गया कि B.1.617 सीन इन द न्यूज, ये क्या था, तो ये कोई रॉकेट का नाम नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए. Got the point? Then उसके बाद Nature in a Globalized World report, IUCN ने release की है ये report, जिसका नाम है Nature in a Globalized World, Conflict and Conservation. ठीक है, so the report focuses on complex relation between nature and armed conflict. Objective क्या है? Objective यही है कि जो economic और political decision making है, उसमें nature conservation भी तो आए. सारी डेवलपमेंट का ध्यान हम देते हैं, नेचर कंजर्वेशन पे हमारा फोकस कभी नहीं होता, एंड दैट इज द रीजन कि इस पे यहाँ पे चर्चा की गई है. ओके, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैव न्यूमरस नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन नेचर, कहीं ना कहीं डायरेक्ट किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर फूड एंड ट्रेड, डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम बोथ एज अ टैक्टिक एंड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ वॉर, डिसरप्शन ऑफ कंजर्वेशन थ्रू अटैक्स ऑन प्रोटेक्टेड एरिया स्टाफ एंड अदर कंजर्वेशनिस्ट. भाई कहीं पे भी लड़ाई हो रही है तो उस समय तो फिर देखा ही नहीं जाता ना, उस समय नेचर कंजर्वेशन कौन सोचता है, उस समय तो बस एक दूसरे को मारने पीटने में लगे रहते हैं. तो IUCN अपनी इस रिपोर्ट में यही दिखाना चाहता है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से लोगों की जान जाती है, ये सारी चीजें दुर्गति होती है वो तो है ही है, लेकिन नेचर में भी उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं. और यहां पे आप देख सकते हो एग्जांपल्स, 1994 में रवांडा में जो वॉर हुआ था, 90% ऑफ द लार्ज मैमल्स इन द एकेगेरा नेशनल पार्क, उनकी किलिंग की गई थी फूड के लिए या फिर ट्रेड के लिए. ठीक है, वियतनाम वॉर, कहीं ना कहीं वियतनाम वॉर की वजह से जावा राइनोसोरस की एक्सटिंक्शन जो है वो एक्सिलरेट हो गई, वो जल्दी एक्सटिंक्ट हो गए. फर्दर द रिपोर्ट हैज आल्सो फाउंड दैट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आर पर्टिकुलरली प्रीवेलेंट इन सम ऑफ द मोर डाइवर्स बायोडाइवर्स रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. मोर ओवर सिविल अनरेस्ट एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस दे पोज अ रिस्क टू मोर देन 200 इंडेंजर्ड स्पीशीज. It includes even the iconic species, जैसे कि critically endangered eastern gorilla. However, conflicts were less frequent within the boundaries of the natural reserves and other protected areas. Recommendations क्या क्या हैं? Recommendations हैं जैसे कि natural resource governance को strengthen किया जाए, then उसके अलावा accountability, transparency,
लोगों के इंडिजीनियस पीपल्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, ये सारे कुछ कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। देन उसके बाद माउंट साइनाबंग, ठीक है। सो इंडोनेशिया का ये जो माउंट साइनाबंग है, इट हैज इरप्टेड रिलीजिंग अ मैसिव कॉलम ऑफ वॉल्केनिक ऐश एंड स्मोक अप टू 3 किलोमीटर इन टू द स्काई। दिस इज द रीजन ये न्यूज में था। ओके, इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ सुमात्रा इन इंडोनेशिया। इट इज अमॉन्ग मोर देन 130 एक्टिव वॉल्केनोज इन इंडोनेशिया एंड इट वॉज डॉर्मेंट फॉर 400 ईयर्स बिफोर एक्सप्लोडिंग इन 2010। इट एक्सप्लोडेड अगेन इन 2014 एंड 2016। तो ये तो आपको पता ही है, रिंग ऑफ फायर के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। ओके, इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। इट इज अ पाथ अलॉन्ग द पैसिफिक ओशन। इट इज कैरेक्टराइज बाई एक्टिव वॉल्केनोस, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। इट ट्रेसेज बाउंड्रीज बिटवीन सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स इंक्लूडिंग पैसिफिक कोकोस, इंडियन ऑस्ट्रेलियन, नेजका, नॉर्थ अमेरिकन, फिलिपींस प्लेट्स। सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ, 75% ऑफ अर्थ वॉल्केनोस, दैट इज मोर देन 450 वॉल्केनोस आर लोकेटेड अलॉन्ग द रिंग ऑफ फायर। 90% ऑफ अर्थक्वेक्स ऑकर अलॉन्ग इट्स पाथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हो, सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा घातक मतलब पाथ है। द एबेंडेंस ऑफ वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स अलॉन्ग द रिंग ऑफ फायर इज ड्यू टू द फ्रिक्वेंट मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इन द एरिया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया क्यों इस रीजन में इतने ज़्यादा वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स और ये सारी चीज़ें ऑकर होती हैं। ई संजीवनी ओपीडी, so ex-defense doctors will also now provide online consultation on e-sanjeevani opd to the needy patients in Rajasthan, और बाद में इसे बाकी राज्यों में भी extend किया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं covid के बाद से online telemedicine जो है उसकी कहीं ना कहीं संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, because social distancing भी आपको करना है और आप चाहते हो कि घर बैठे अगर doctor से consult हो जाए तो उससे better तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो e-संजीवनी इसी तरीके का एक telemedicine platform है health और family welfare ministry का, और basically the platform has enabled 2 types of telemedicine services। कौन कौन सी? first, it is a doctor to doctor telemedicine system being implemented under the Ayushman Bharat health and wellness center program। it seeks to connect all 150,000 HWCs using the hub and spoke model by December 22. It was launched amid the COVID-19 pandemic to enable patient-to-door teleconsultation. EICU platform, basically EICU platform भी संजीवनी platform द्वारा ही launch किया गया है और इसे develop किया गया है by the Medical Branch of Integrated Defence Staff in coordination with the CDAC Mohali. Okay, it will help the medical officers to get the real-time consultations from specialist doctors in managing their patients. आगे चलते हैं credit rating की तरफ। Standard & Poor's Global Credit Ratings has organized a webinar titled What a Drawn Out Second COVID Wave Means for India. Now, during that, S&P clarified that the pandemic won't impact the BBB rating of India for 2 years. ठीक है, सो कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग नुकसान तो होगा ही उसे, बिकॉज इकोनॉमी हमारी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रही है पैंडेमिक की वजह से। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बोल दिया है कि भाई 2 साल तक ये जो रेटिंग है BBB की, उस पर पैंडेमिक का कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो क्या आउटकम्स हैं इस पर्टिकुलर वेबिनार की? एन इंक्रीज इन द कोविड केसेस कुड थ्रेटन द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिकवरी, ये तो सभी को पता है। इंडियाज GDP इट वुड डिक्रीज टू 9.8% अंडर अ मॉडरेट सिनेरियो, 8.2% अंडर अ सीवियर सिनेरियो। इट इज इन कंपेरिजन विद द बेस लाइन फोरकास्ट ऑफ 11% ग्रोथ फॉर द पीरियड। इंडियाज सोवरिन रेटिंग विल रिमेन अनचेंज एट द करेंट लेवल ऑफ BBB फॉर द नेक्स्ट 2 years, but the pandemic will impact household consumption because of increase in COVID-19 cases, limited healthcare system capacity, localized lockdowns, etc. The second COVID-19 wave will not have any major impact on the government's fiscal position in a moderate downside scenario, but there could be upside pressure on the fiscal deficit as the revenue generation would be weaker. ओके, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग इज अ क्वांटिफाइड असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ बोरोवर। आपने किसी से पैसा लिया है तो आप उसको वापस करोगे, उसकी क्या अश्योरिटी है? ओके, जितने ज़्यादा सामने वाला बेसिकली जल्दी पैसा वापस करेगा उतनी अच्छी उसकी क्रेडिट रेटिंग होगी, ठीक है। सो अ क्रेडिट रेटिंग कैन बी असाइन टू एन एंटिटी दैट सीक्स टू बोरो मनी। इट कैन बी एन इंडिविजुअल ऑल्सो, कॉरपोरेशन ऑल्सो, सोवरिन गवर्नमेंट ऑल्सो, स्टेट ऑल्सो, ठीक है। 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ग्लोबली, मूडीज, S&P, फिच, ओके। और रही बात इंडिया में, तो इंडिया की जो क्रेडिट
क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं अंडर सेबी, क्रिसिल, इकरा, केयर, फिच इंडिया। ओके, और किसी भी कंट्री की अगर क्रेडिट रेटिंग हाईएस्ट है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब इन्वेस्टर के ऊपर भी, इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस आता है ना कि भाई हाँ, मैं इस देश में अगर पैसा लगाऊंगा तो वो डूबेगा नहीं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उसे भी लगता है। ठीक है, चलिए। नेशनल बैम्बू मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन हैज लॉन्च्ड एन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक अगरबत्ती इंडस्ट्री। ओके, सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड टू हेल्प कोलेक्ट डेटा ऑन अगरबत्ती स्टिक प्रोडक्शन, द लोकेशन ऑफ स्टिक मेकिंग यूनिट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, फंक्शनिंग ऑफ द यूनिट्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी, मार्केटिंग अमॉन्ग अदर्स। अगर मैं बात करूँ इस नेशनल बैम्बू मिशन की, तो इसे इनिशियली स्टार्ट किया गया था एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन 2006-07। इट वॉज लेटर सब्स्यूम्ड अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ड्यूरिंग 2014-15 एंड कंटिन्यूड टिल 2015-16। और फिर इसे रीस्ट्रक्चर किया गया और 2018-19 में एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, टू इंक्रीज द एरिया अंडर बैम्बू प्लांटेशन इन नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लैंड्स, देन टू इंप्रूव पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स। दीज यूनिट्स आर पर्टिकुलरली लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सीजनिंग प्लांट्स, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा, टू रिजुविनेट द अंडर डेवलप्ड बैम्बू इंडस्ट्री इन इंडिया एंड टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस जनरेशन एटसेट्रा। सो कुल मिला के बैम्बू सेक्टर का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, यही इसका मेन एम है। नथिंग टू एक्सप्लेन हियर, ये बहुत आसान है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समझना, देर इज नथिंग रॉकेट साइंस इन दैट। ओके, चलिए। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IREDA, उसे ये अवार्ड दिया गया है। और द ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 1925 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्रीमियर बॉडी है ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ओके, द अवार्ड हैज बीन कॉन्फर्ड टू द IREDA फॉर बीइंग द लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम IREDA की बात करें, ये एक मिनी रत्ना एंटरप्राइज है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। इट प्रमोट्स, डेवलप्स, एक्सटेंड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, IREDA, इट हैज बीन नोटिफाइड एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर कंपनीज एक्ट। इट इज रजिस्टर्ड एज अ NBFC विद RBI। ठीक है, सो IREDA का मोटो है एनर्जी फॉर एवर। बोंडा ट्राइब, नाउ एज मेनी एज 21 ट्राइबल अक्रॉस 8 PBTGs इन ओडिशा हैव टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, जिसमें 2 व्यक्ति बोंडा ट्राइब के थे और इस वजह से ये न्यूज में था। ओके, सो बोंडा ट्राइब्स बेसिकली इट इज वन ऑफ द 13 PBTGs जो कि ओडिशा में पाए जाते हैं। PBTGs क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड बोंडा ट्राइब्स, दे आर मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब्स। दे आर बिलीव टू बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन आउट ऑफ अफ्रीका अबाउट 60,000 ईयर्स अगो। They are the first forest settlers in India. Okay, they have retained their identity and culture despite external interventions over the years. They are primarily forest dwellers. They perform hunting and foraging for food in the wild. The women, they prefer to marry men who are younger by at least 5 to 10 years. And basically, they continue to speak in the language Remo. It comes under the Austroasiatic language belonging to the Mundari group. A Tianwen-1 mission. Okay, China successfully lands the Zhurong rover from the Tianwen-1 mission on Mars. Specifically, it has landed on the Utopia Planitia, a large plane in the northern hemisphere of Mars. Okay, so ye jo Zhurong rover hai, iska naam rakha gaya hai after an ancient Chinese god of fire, which will explore the Mars surface near the landing site. और इसका अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, सक्सेसफुल लैंडिंग अगर होती है, विद द सक्सेसफुल लैंडिंग चाइना जो है तीसरा नेशन बन जाएगा टू अचीव अ सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मार्स सोवियत यूनियन और US के बाद। ओके, फर्दर विद द सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ द रोवर ऑन मार्स, चाइना बिकम्स द ओनली सेकेंड कंट्री आफ्टर द US टू सेंड अ रोवर टू द सर्फेस ऑफ मार्स। चाइना हैज ऑल्सो बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कैरी आउट एन ऑर्बिटिंग लैंडिंग एंड रोविंग ऑपरेशन ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट मिशन टू मार्स। ओके, नाउ Tianwen-1 मिशन की अगर हम बात करें, इट्स एन इंटरप्लैनेटरी मिशन बाय द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इट एम्स टू सेंड अ रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट टू मार्स कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिट डिप्लॉयबल कैमरा लैंडर एंड द Zhurong रोवर, और इसे लॉन्च किया गया था 2020 जुलाई में।
अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव सिंपल है, टू स्टडी द जियोलॉजी ऑफ मार्स, करेंट एंड पास्ट प्रेजेंस ऑफ वाटर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लैनेट। ओके, तो दोस्तों आज का ये सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट्स हो, डू लेट मी नो, एंड साथ ही साथ बताएं आपको कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा।